ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड पहले से ही थी और आज और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ, क्योंकि मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है और ये आज लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी और मैं खुद इसे कई बार देख चुकी हूँ कि देखो कैसा लग रहा है। एक बार ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, अच्छा अब एक बार सिर्फ सुनती हूँ, अब एक बार सिर्फ देखती हूँ, तो हाँ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ एंड आई होप सबको गाना अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे। अरे वेरी ग्रेटफुल और आई थिंक क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है और इतना ब्यूटीफुल गाना है, उसकी म्यूज़िक इतनी अच्छी है और हाँ हमने भी थोड़ी मेहनत की है तो पसंद आया और बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हुई थी। पोस्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, ट्रेलर को भी बहुत पसंद किया एंड आई होप गाने को उससे भी ज़्यादा पसंद करें। अच्छा लोकेशन के बारे, हमने ठीक है तो हम काफ़ी स्मार्ट प्ले किया, तीन लोकेशंस चाहिए थी और एक ही जगह पर तीनों लोकेशन का इंतज़ाम किया था और शूटिंग काफ़ी अच्छी रही, हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिल्कुल भी। एक दिन पहले हमने नरेशन लिया कि हाँ ऐसे 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 होगा और हमने फिर नेक्स्ट डे शूट किया। आई थिंक गाने में वेरिएशन है बिकॉज बीच में दिखाया जा रहा है कि कॉलेज टाइम का भी दिखा रहे हैं, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी भी दिखा रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। पूरा पैकेज है, यस 5 मिनट में आप पूरी मूवी देख लीजिए। मैं बिग बॉस नहीं फॉलो कर रही, मुझे बहुत पसंद था बिग बॉस बट फ्रेंकली इस बार का बिग बॉस मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या देखूँ, मतलब वैसे लगाती भी हूँ तो होता है 10 मिनट के बाद एक डैडी प्लीज बंद कर दो। तो बीप हो जाता होगा ना। देखिए मैं क्या कह सकती हूँ इसके लिए, मैं नहीं देखती इस वजह से, मैं नहीं देखती और इससे पहले जितने सीजन्स आए मुझे काफ़ी पसंद थे एंड आई यूज़ टू मेक श्योर जब 10:30 बजे रात को आता था 11:30 तक तो मैं जाग के देखती थी क्योंकि मुझे मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था देखने में। और इस बार का सीज़न पता नहीं क्या हुआ, एक भी एपिसोड पूरा मैंने देखा नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब प्लीज़ इससे रिलेटेड अब मुझे मत पूछना, मुझे सब कंटेस्टेंट के नाम भी नहीं पता है। सॉन्ग्स के बारे में बताइए, कैसा था एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी अच्छा लिरिक्स लिखा है ना लाडो स्वालका ने, जिन्होंने हाफ गर्ल फिल्म मूवी में भी लिखा है गाना, और काफ़ी हार्ट टचिंग है और काफ़ी अच्छा कंपोजिशन भी है और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा यह सॉन्ग और बहुत ही बढ़िया है और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये मतलब गाना इतना मतलब
जब हम लोग सेट पे थे, ये है वो, मतलब उस टाइम इतना काफ़ी सारा सब लोग का रिस्पांस मिल रहा था और गाना इतना हार्ट टचिंग है। हम उम्मीद करते हैं लोगों से इतना सारा प्यार जब तक अभी तक मिला है, वही प्यार हम आगे भी उम्मीद रखते हैं लोगों से मिले। जब गाना करते वक्त एक अलग तरह की नजर आ रही है, क्या माइंड में क्या? ही इज ऑनर प्रोड्यूसर है। यस बोलिए। माइंड में कुछ नहीं था एग्जैक्ट, मतलब कुछ धुने बना रहे थे हम, कुछ ट्यूनिंग कर रहे थे उस टाइम। एग्जैक्ट यू नो ये ट्यून आया दिमाग में, धुन आया, देन उसके बाद उसके ऊपर हमने काम चालू किया। काफ़ी टाइम लगा, यू नो 1 month लगा। देन उसके बाद करते करते धीरे धीरे उस पर लिरिक्स आए, वर्ड्स आए, फिर उसको हमने रिकॉर्ड करना चालू किया। रिकॉर्ड करने के बाद इतना सारा यू नो आगे आया, फिर उसके बाद यू नो वीडियो वीडियो बनाए, फिर उसके बाद अभी यहाँ तक आया। काफ़ी अच्छा मतलब यू नो एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी मतलब यू नो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाना काफ़ी लोगों को पसंद आएगा और काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ही हिट होने वाला है। बस मैं यही यू नो गुजारिश करूँगा कि लोग बहुत सारा प्यार दें इस गाने को, बहुत सारा लाइक्स कमेंट्स यू नो मतलब इस गाने को इतना प्यार दें कि काफ़ी मतलब हमें प्यार मिले लोगों से। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। रेडी रोलिंग सर, सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैं क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना देखा अभी तक? सर ट्रेलर देखा। नहीं देखा, ट्रेलर देखा तो यार मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा गाना है, एक बहुत अच्छी थीम है कि वो लोग मरने के बाद भी साथ में, तो एक कपल को लेके और कुछ लोग अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे इस गाने से। तो इट्स अ नाइस फीलिंग कि एक ऐसा एक गाना है, इतना पॉजिटिव वे में शूट हुआ और गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है हमारे सिंगर की। कैसी केमिस्ट्री? बहुत अच्छी लग रही है केमिस्ट्री। हाँ जन्नत जुबैर के साथ काम किया, अच्छा लगा, अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है टाइम पर आती है और अच्छा काम करती है, सो इट्स नाइस फीलिंग। और इसके अलावा मतलब ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था और क्या कहेंगे? यार एक तो हमने बहुत कम टाइम में इसको शूट किया है, मैं पर्सनली ऐसा कोई प्लान नहीं था कभी भी कि मैं ऐसे एल्बम करूँगा, बट हाँ गाना सुनने के बाद वो डिसाइड हुआ। और सेट पे हमारा एक दिन का ही शूट था जिसमें हमने कम टाइम में इतना कुछ पूरा एल्बम, एक पूरा सॉन्ग निकाल दिया, तो इट्स नाइस फीलिंग। बाकी मैं आपको कलाम से मिला था जो हमारे सिंगर हैं। कलाम आइए, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे लगा आपको हमारे साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही स्वीट है और काफ़ी टैलेंटेड है, इतना अच्छा मतलब ये देते हैं, फील देते हैं गाने में, उन्होंने हमारे गाने में जो फील दिया है मैं उस फील से बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक भी बहुत खुश होगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ फर्स्ट एल्बम मैं कभी प्लान ही नहीं था, मैं बहुत बेसिकली मैं जो भी काम, अरे साइलेंस हो जाओ भाई वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो क्या है कि ये कभी प्लान नहीं था ऐसा कभी कि मैं ऐसे सॉन्ग करूंगा, और बट ये आवाज़ इतनी अच्छी थी, गाने के लिरिक्स इतने अच्छे थे, तो मैं मजबूर हो गया इस गाने को करने के लिए। okay, जैसे आपने कहा कि लिरिक्स बहुत अच्छे थे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट मैं थोड़ी ना एस्ट्रोलॉजर, मुझे क्या पता, बाकी आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ आता रहेगा। अभी तक हमारी इस गाने को लेके जो हमारी प्लानिंग है वो यही है कि अगर ये हिट हुआ तो दूसरा आएगा, और अभी तक जो रिस्पांस है हमारी ऑडियंस का, जितने भी मेरे फैंस हैं, जुबैर के फैन, जन्नत के फैंस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इस गाने को। ऑलरेडी इसका टीजर हिट हो गया तो आई थिंक गाना भी हिट है, तो ऐसी अब एल्बम बढ़ती हुई बढ़ती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस यस। बजट तो नहीं बढ़ गया? नहीं बहुत है, तो हमारे अभी तक प्लानिंग है कि ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ऐसी माशाल्लाह। लास्टली गाने की दो लाइनें हो जाए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस श्योर। हां आप भी कहां से शुरू करें हम? कैसे में आप, इन्होंने डाला था काफी यू नो काफी कमेंटिंग करके डाला था आपने, हंसा भी था उसमें, आप भी गाओ साथ में। मैं तो शुरू करते यार। कैसे मैं भूलूं रातें वो, कैसे मैं भूलूं बातें वो, जब लबों को लबों से जोड़ा चादर सा तुझको था ओढ़ा, जब सारी हदों को था तोड़ा। वाह। कैसे मैं भूलूं रातें वो, कैसे मैं
थैंक यू। यहाँ मैं बहका हूँ पता है, इसलिए मैंने किया ये, और अभी भी सुन रहा हूँ ना ये गाने तो मेरे घूस बम्स आ गए। तो इस गाने में यही मैजिक है जिस वजह से मैं फंस गया। अपने गाने की गुस्ताखी की थी अगर इस बारे में? मैं गुस्ताखी भाई, मेरे को एक ही काम आता है लाइफ में, मैंने गाया था इंस्टाग्राम पे। अच्छा दो लाइन अगर आपकी आवाज में हो क्या चाहते हो? हैं चाहते हो क्या सच में? गाना रोमांटिक तो नहीं था इस गाने में, हर पॉइंट पे एक घूस बम से, हर पॉइंट पे एक फीलिंग थी, और मैं इस गाने में बहुत रोया हूँ, हद से ज़्यादा रोया हूँ, और जितना भी मैं उसमें रोया हूँ वो रियल में रोया हूँ। वो ग्लिसरीन वाले आंसू नहीं है, वो डेली सोप वाले मेरे ओरिजिनल आंसू हैं। तो ये फीलिंग है। गाना यार अब मैं डर रहा हूँ इतनी सारी मीडिया देख के। मैंने सच में बहुत ज़्यादा रोया है गाने में, यू नो इतना ज़्यादा रोया है कि मत पूछिए, मैं भी खुद साथ में था। ये खुश थे मेरे रोने से, ये खुश थे, बट फिर भी मैं एक लाइन गा देता हूँ। हाँ डर लग रहा है यार, ये तो मैं गाता हूँ बहुत अच्छा। कैसे मैं भूलू बातें वो, बिल्कुल वेरी नाइस। कैसे मैं भूलू राते वो, देखो इतना ही आता है। मैं हूँ बाथरूम सिंगर और ये हमारे प्लेबैक सिंगर, तो जिसका काम उसी को साझे। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच, हमारे सॉन्ग का ऐसे हिट करवाइए और अच्छा अच्छा जाके खाना खाइए प्लीज। थैंक यू। सर सेंटर में पहले नीचे से पैर, पहले ऊपर से लेकर फिर नीचे जाता हूँ, पहले नीचे नहीं पहले ऊपर जाने का। अभी जा रहे हो क्या सब? चलो हाँ। अरे वाह, सॉन्ग के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है और लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, सुन के एक अलग ही फीलिंग है। अगर इसको थोड़ा सा लाउड करके और कान पे लगा के मैं सुन रहा हूँ तो मुझे घूस बम्स आ रहे हैं। आज के टाइम पे अगर इतना भी हो तो दैट्स इनफ। हाँ मैं सी आई ऑलवेज ट्राई कि मैं चूजी वर्क करूँ, और इस गाने में क्या था मैं नहीं करने वाला था, बट जब मैंने गाना सुना आई एम लाइक चलो एक बार मिल लेते हैं, तो जब वो गाना सुना तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए आई एम लाइक हाँ ये जो मैं जो चूज़ करता हूँ उसी में से एक रिलेटेड है, तो इस गाने को करना चाहिए। जन्नत के बारे में ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, और मुझे उससे होप है कि वो ज़िंदगी में आगे और बहुत कुछ बड़ा करेगी, बिकॉज़ वो 16 साल की है और मुझे लगता है वो शायद मुझसे भी ज़्यादा मैच्योर है। तो बहुत प्यारी लड़की है, बहुत हार्ड वर्किंग है। यस यस, अगर हमने आज ये एल्बम की है और ये हिट होती है तो हमें आज नहीं तो कल साथ में फ़ोन आएंगे, तो ज़रूर करना चाहूँगा मैं जन्नत के साथ काम। कौन सा? सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल लोग इसका अच्छे से फ़ायदा उठा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं, बट माई ओनली कंसर्न विद द यूथ इज लिमिटेड टैलेंट, तो आप लिमिटेड काम कर पाओगे, आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहोगे तो आप आगे काम कर पाओगे। बिकॉज मैं बहुत सारी देखता हूँ, मीम्स आते हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ आती हैं, दे बोथ आर वेयर समवेयर सेम। हमें लाइफ में हर चीज़ नया चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो ये मेरा पॉइंट है। भाई तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा फनी होता है, जो सबसे ज़्यादा हंसाता है, हंसी मजाक करता है, आई थिंक उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं रियल लाइफ में बहुत फ़नी हूँ तो शायद मेरे अंदर दर्द ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आज यहाँ तक करोड़ों लोगों में से यहाँ तक पहुँचा हूँ। फैंस को यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा टीज़र हिट करवाया, और अभी गाने का आप बहुत बेसब्री से वेट भी कर रहे थे,
तो बस ये हमारा जो गाना है इसको भी हिट करवाइए, और आगे के मेरे जितने भी और प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें भी ऐसे हिट करवाइए। थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से। थैंक यू यार। ओके, कैसे मैं भूलूं बातें वो, कैसे मैं भूलूं रातें वो।